खबर आप देख रहे हैं News 21 टीवी। आइए देखते हैं ये खास खबर। विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल मंजू मेहता ने कहा कि शिक्षा ही सफल जीवन जीने का मंत्र है। शिक्षा ही हमें जीवन जीने का सलीका सिखाती है और हमें अच्छे और बुरे का एहसास कराती है। लेकिन उन्होंने कहा कि शिक्षा पर सरकार के साथ साथ हम सभी को काम करने की जरूरत है और विदेशी शिक्षा की तरफ ना भागते हुए हमें अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। आज के इस युग में सबसे दुख बात यह है कि आज गुरु और शिष्य के बीच वो भावना नहीं रही जो पुराने समय में रहा करती थी। मैडम, शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जा सकता है, इस संदर्भ में आप अपने विचार दीजिए। सर, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए शिक्षक, अभिभावक और समाज, हम तीनों को मिलकर काम करेंगे तभी सुधारा जा सकता है। ना तो केवल शिक्षक इसके लिए जिम्मेदार है, ना ही केवल समाज और ना ही केवल अभिभावक। नैतिक मूल्यों में गिरावट, जिम्मेवार कौन, शिक्षक, अभिभावक या समाज? सर, शिक्षक तो किसी कीमत पर भी नहीं है, अभिभावक ही जो है इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। उसका रीज़न ये है कि कोई भी अभिभावक ये नहीं चाहता कि हमारे बच्चों के नैतिक मूल्य ख़त्म हो जाएं। लेकिन जो हमारी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, यानी कि जो हमारे अकेले परिवार हो गए हैं ना, एकल परिवार, इसकी वजह से परेशानियाँ आ रही हैं और माता पिता दोनों नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, जो भी करते हैं, बिजी रहते हैं, तो इस वजह से वो बच्चों की तरफ पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस वजह से जो है शिक्षा का स्तर भी डाउन हो रहा है और नैतिक मूल्यों में भी गिरावट आ रही है। यौन शिक्षा को क्या पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए? अगर हाँ तो किस क्लास से, अगर नहीं तो क्यों? यौन शिक्षा को मेरे हिसाब से जो है उसमें पाठ्यक्रम में जो है सम्मिलित कर लेना चाहिए, लेकिन केवल 9th क्लास। आज मैडम प्राइवेट स्कूलों पर फीस वसूलने का मनमानी का आरोप लगता है और कहा जाता है कि शिक्षा को एक व्यवसाय बना दिया गया है। आप खुद एक प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल हैं, कहां तक इस बात से सहमत हैं? सर, व्यवसाय तो नहीं बनाया गया है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल हैं अगर उनका हम पूरा खर्च अपने अनुसार ही उठाते हैं तो नेचुरली हर काम के लिए पैसे की जरूरत तो होती है, फाइनेंस से रिलेटेड ही है सारे काम। लेकिन हाँ, जो हमारी लोकेलिटी होती है, जो हमारी पेरेंट्स हैं, उनकी इनकम के अनुसार अगर हम थोड़ा थोड़ा 5% अगर हम इसमें इंक्रीज करते हैं फीस में, तो उससे मेरे ख्याल से किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। और मैं अगर अपने स्कूल की बात करती हूँ तो हमारे स्कूल में तो गरीब बच्चे, विधवाओं के बच्चे और जो BPL वाले, BPL कार्ड धारक हैं, और उसके साथ साथ जो बच्चे वैसे भी पढ़ने में आगे हैं, तो बहुत से बच्चों को अपनी तरफ से हमारे चेयरमैन सर जो हैं मिस्टर राकेश कुमार अत्री, उनकी तरफ से जो है वो पूरी छूट दी जाती है। मैडम, छात्र जीवन में छात्र की दिनचर्या किस प्रकार से हो, इस पर कोई संदेश देना चाहेंगे बच्चों को? हाँ, छात्र की जीवन में जो उनका नियम है, सबसे पहले विद्यार्थी के लिए अनुशासन सबसे ज़रूरी है, और अनुशासन के अंदर आता है उनका समय पर स्कूल आना, पूरी यूनिफॉर्म में स्कूल आना,
जो क्लास के अंदर टीचर जिस जो भी निर्देश दे रहे हैं या प्रिंसिपल की तरफ से, चेयरमैन सर की तरफ से जो निर्देश दिए जाते हैं उनका पूरी तरह से पालन करना, ये हम विद्यार्थी जीवन से ही सीखते हैं और धीरे धीरे जो है वही हमारे जीवन में आगे काम आता है।